मैं एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल गुड़ागौर जी से बेटे अपना जैव प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन चल रहा था भारत में जैव प्रौद्योगिकी, उसी में आपके कुछ अपन बोलेंगे यूनिवर्सिटीज रह गई थी उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अपन देखें बेटे सातवां इसमें है आपका राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय प्रयोगशाला पुणे, ये पुणे ये बेटे ध्यान रखना ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर अपन बोलेंगे पादप ऊतक संवर्धन, आप जानते होंगे इसके आगे पादप ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर आएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर आप जानते हो क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो पादप विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार में है, अब उन पादपों को अपने को संरक्षित करना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं पेटेडिस लेते हैं, है ना, तो और उसमें पोषक पदार्थ लेते हैं। पादप की मुख्यतः इनमें विभज्योत की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, शेषस्थ विभज्योत की कोशिकाओं का, उनको एक कोशिका को अपन ले लेते हैं उसको संवर्धित करवाते हैं, उस संवर्धन के दौरान अपन बोलेंगे पादपों का निर्माण किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है ना, फिर इसके बाद है आठवां अगर अपन देखें भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली। ठीक है बेटा, इसके अलावा नवा अगर अपन देखें कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान हैदराबाद, ध्यान रखें ये क्या है, ये अपन बोलेंगे भारत में प्रमुख जो जैव प्रौद्योगिकी जो केंद्र हैं उनके बारे में मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है बेटे, इसके अलावा राष्ट्रीय रोध क्षमता विज्ञान, राष्ट्रीय रोध क्षमता, राष्ट्रीय रोध क्षमता, राष्ट्रीय रोध क्षमता विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, संस्थान नई दिल्ली, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, सूक्ष्म जैव प्रौद्योगिकी संस्थान इसके अलावा अगर अपन देखें राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संपदा ब्यूरो, ठीक है, संपदा ब्यूरो जिसको अपन बोल देते हैं NBPGR, ठीक है, जो हो गया राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संपदा ब्यूरो। इसके अलावा जनन द्रव, ये ध्यान रखना यहाँ पर जनन द्रव संरक्षण, यहाँ पर अगर अपन देखें जनन द्रव
संरक्षण, इसके साथ साथ अपन बोलेंगे पूरा स्थापन, ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन जिसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये सब जनंदर संरक्षण वगैरह ये अपन बोलेंगे राष्ट्रीय पादप संपदा ब्यूरो में किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पादप ऊतक संवर्धन अध्ययन सुविधा, ठीक है, पादप ऊतक संवर्धन सुविधा ये सब यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें केंद्रीय औषधीय, केंद्रीय औषधीय, ठीक है बेटे, जिसको अपन सेंट्रल ड्रग्स है ना, केंद्रीय औषधीय एवं एरोमेटिक, एवं एरो एवं एरोमेटिक पादप संस्थान, पादप संस्थान लखनऊ, आपने सुना होगा सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहां पर अपन बोलेंगे जो गर्भ निरोधक जो टेबलेट है जिसका नाम आपने सहेली सुना होगा और ये आपकी बुक्स में है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो जो गर्भ निरोधक जो टेबलेट है जो सहेली उसी के द्वारा अपन बोलेंगे केंद्रीय औषध संस्थान लखनऊ के द्वारा ही अपन बोलेंगे निर्मित की गई थी, इनको आप ध्यान रखेंगे बेटे, ठीक है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान, उद्यान ठीक है, वनस्पतिक उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान ये बेटा त्रिवेंद्रम में है, त्रिवेंद्रम, क्लियर, ये त्रिवेंद्रम में है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संपदा ब्यूरो ये आपका जो है अपन बोलेंगे नई दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने मैंने अभी आपको बताए ये सब अपन बोलेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जितने अपने ये केंद्र हैं वो मैंने आपको जितने इंडिया में अपने पाए जाते हैं वो बेटे मैंने आपको बताए, ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, अगला टॉपिक आपका रहेगा जैव प्रौद्योगिकी उद्यान या इसको अपन बोल देते हैं बायो टेक्नो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये पांच, ठीक है। अब आप ध्यान रखें इनमें इन पार्कों की संख्या हमारे भारत में आप ध्यान रखेंगे 19 है और यहाँ पर ये जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो होते हैं यहाँ पर जो पादप विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार में उनको संरक्षित किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है जिससे कि अपन बोलेंगे उनकी जो जातियाँ हैं
वो अपन बोलेंगे विलुप्त तो ना होने पाए और उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। ठीक है, अगले वीडियो में बेटे आपका ये चलेगा जय प्रौद्योगिकी उद्यान। ओके, थैंक यू।